मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मिशन बुनियाद के तहत गणित के बारे में, हमारा गणित कक्षा 6 से 8 के लिए। और इसमें हम चर्चा करेंगे डे वन की एक्टिविटी में क्या हुआ, समूह में चर्चा करें इसका, सवाल में क्या जानकारी दी गई है, सवाल में क्या पूछा गया है, इसे हल करने के लिए क्या करना होगा, जोड़ घटाव गुना भाग ही क्यों करना होगा, ये सभी की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। देखिए, डे वन की बात करें, डे वन में संख्याएं यानी कि नंबर्स की बात होगी, मैथ्स की एक्टिविटी है ये। विस्तार सारणी के उदाहरण के अनुसार अलग अलग कॉलम से संख्या चुने यानी कि नंबर्स चुनने हैं। निम्न प्रकार से नए नए संख्या यानी कि नंबर्स बनाने हैं, साथ ही उन्हें संख्याक यानी कि न्यूमरल और संख्या नंबर यानी कि नंबर नेम के रूप में लिखना है। तो आपके सामने कितने सारे दे रखे हैं, सैकड़ा, दहाई, इकाई, तो इसमें से हमें ढूंढना है। जैसे 100, 10, 1, तो सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड। वन यानी कि वंस, टेंस यानी कि टेंस, हंड्रेड यानी कि हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इस तरह से होता है ना। देखो, जैसे मेंशन है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इसी तरह इसमें बताया गया है, हिंदी में बताया गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब हम देखेंगे, इकाई एक है तो 0, दहाई 0, सैकड़ा 4 दिया गया है, इकाई 0 दी गई है, दहाई 3 दे रखा है, सैकड़ा 7, इकाई 6 दे रखी है, दहाई 5 दे रखा है और सैकड़ा 3, इकाई 6, दहाई 3, सैकड़ा 4। अब संख्याक यानी कि न्यूमरल और नंबर नेम कैसे, 436 लिखा हुआ है यानी कि हिंदी में ऐसे 436 लिखेंगे, 436 यानी कि 436 इंग्लिश में, 736 लिखा है 736 यानी कि 736, 734 लिखा है 734, 456 लिखा है यानी कि 456, 570 लिखा है 570, 677 लिखा है यानी कि 677। तो इस तरह से आप संख्या लिख सकते हैं। सेकंड उदाहरण है, उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं के अंकों के स्थान मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बताना है। संख्या है जैसे 436, अंक है 4, तो 4 का जो स्थान होगा, स्थानीय मान, वो है 400। अब देखो कैसे बच्चों, क्योंकि 6 है वंस पर, 3 है टेंस पर और 4 है सैकड़ा पर, तो 4 पूछा है ना, 4 हंड्रेड के स्थान पर है तो 400 और अंकित मान हो गया 4। इसी प्रकार हमने करना है, 436 का अंक 3 से पूछा है तो 3 का हो जाएगा 30, स्थानीय मान तो होगा 30 और फेस वैल्यू 3। संख्या 7 पूछी है तो 7 का हो जाएगा 70 और अंकित मान 7, 976 का हो जाएगा, संख्या 9 का पूछा है तो 900, अंकित मान हो जाएगा 9, 578 का पूछा है 8, तो प्लेस वैल्यू इसकी होगी वंस की यानी कि 8 ही होगी और फेस वैल्यू भी 8 ही होगी। 607 का पूछा है 0 से तो 00 हो जाएगा और फेस वैल्यू 0। 4075 का पूछा है 4 से तो 4000 आएगा, क्योंकि जो संख्या पूछी है उसके बाद जितने 0 लगा दो आप और फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। 6897 पूछी है तो 8 पर यानी कि 800, जो संख्या पूछी है उसके बाद 2 जीरो लगा दो। अब देखो ऐसे ही 4098 पर भी 0 की संख्या पूछी तो 3 जीरो, 7859 में 9 पूछा है तो 9 का सिर्फ 9 ही रहेगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं है।
8763 में 8 ही पूछा है, तो बस 8 ही रहेगा, 8008। तो इस तरह से ये पूरी आज की जो डे वन की मिशन बुनियाद वर्कशीट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों को बुक्स मिल चुकी है वो बुक्स में लिखें, और जिनको नहीं मिली हैं वो अपनी कॉपी में या कोई बुक जो बनाई है उसमें लिखें। तो इस प्रकार चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।